बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ बात रखे और हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ आलू और चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज हम इस ग्रेवी यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी का बेस। अगर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ग्रेवी का बेस बनाना आपको शेयर किया था, तो आज उसी बेस से हम ये अपनी ग्रेवी बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे और कितनी जल्दी से बनकर यह तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आजकल गैस की लोड शेडिंग भी बहुत है, तो उस लोड शेडिंग में हम अपने खाने पकाने को कैसे आसान कर सकते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना के लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू हम यहाँ पर अपनी रेसिपी को, यहाँ मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून सिर्फ हम ऑयल लेंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी बेस में ऑयल मौजूद है। 2 तेज़पत्ते डाल दिए, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। तो इसको हमने कड़कड़ा लेना है। पहले ऑयल में हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने आलू और चिकन। चिकन में यहाँ पर 1/2 kg यूज़ कर रही हूँ और आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं 3। दो एक साथ ही हम यहाँ पर लेंगे, मतलब कि 1 से 2 मिनट का हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसके अपनी ग्रेवी करेंगे, यानी ग्रेवी बेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ ये देखिए चिकन का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हमें और कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेवी के बेस के अंदर कुछ मौजूद है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस क्वांटिटी में अगर हम चिकन बनाएं तो इसमें खाने पकाने वाला 1 भर के चम्मच इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये मैं 1/2 kg चिकन बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से फिर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 भर के बड़ा चम्मच ले लिया है खाने वाला और इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, मसाले भी इसके अंदर ऐड हैं, टमाटर प्याज वगैरह मौजूद है। इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नमक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नमक हमें यहाँ पर कम लगेगा क्योंकि चिकन भी डाला है हमने यहाँ पर, आलू हैं और पानी भी हम इसमें यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से नमक हम यहाँ पर थोड़ा ऐड करेंगे। बाकी और किसी चीज़ की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ग्रेवी के साथ डालकर हमने चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए भूना था। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दही। दही डालकर इसको हम फिर से एक दफ़ा भून लेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे जब तक के दही का पानी इसमें ड्राई ना हो जाए। इतनी देर के लिए हमने इसको कवर करना है। तो यहाँ पर दही को हमने ऐसे मिक्स कर लिया है, तो इससे जो इसकी ग्रेवी बनेगी बहुत ही स्मूदी सी ग्रेवी बनेगी, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ अलग नज़र नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ पर नमक भी इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून सिर्फ नमक का यूज़ करूँगी यहाँ पर, ताकि नमक हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब कवर कर दें इसको मिक्स करके और 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो है इसका पानी है दही का वो ड्राई हो जाए और चिकन भी जो है हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने कवर कर दिया था, अब कवर हटाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन जो है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, हड्डियों से ये अलग होने लगा है। तो अब हम इसको भून लेते हैं एक दफ़ा, सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने कवर दिया था, दही ने काफ़ी सारा पानी अपना रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर हम पानी को ड्राई करेंगे, इतना हम इसको पकाएँगे। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, साबुत ही ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हैं तो चीर के काट के बीच में से तो डाल सकते हैं इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे हम इसका पानी खुश्क होने तक। तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जितनी भी इसकी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप डालूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखिए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया है और यहाँ पर जो है इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब ये सालन जो है हमारा बिल्कुल डन हो गया है। इतनी जल्दी मिनटों में झटपट से बना है ये। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी स्मूदी सी है, कुछ भी इसमें चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ना टमाटर अलग है ना प्याज अलग है। तो इस बेस से हम जो भी चीज़ बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी बनेगी और बहुत ही इसका लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने ये सालन बना लिया है। तो इस बेस से हम कई सारी डिशेस बना सकते हैं।
तो इस बेस से हम बिरयानी भी बना सकते हैं, सब्जियों वगैरह की डिशेस भी हम इससे बना सकते हैं। वो तमाम डिशें हम इससे बना सकते हैं जिसमें इस तरह का बेस बनाया जाता है। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं इसका लिंक इस बेस का, तो आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज ही ये मज़ेदार सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। झटपट से बनने वाली रेसिपी थी और मिनटों में बनाया है आज हमने इसको किस तरह से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बराबर में दिए गए बेल के आइकन को साथ साथ ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।